हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीए करने के बाद जो है, या तो बीए इन सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, और इसके बाद जो है किस किस तरीके की आप जो है कंपनियों में जॉब कर सकते हैं, या तो फर्दर स्टडीज़ जो है किस चीज़ में किया जा सकता है, उसके बारे में जो है यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों। ये वीडियो को देखते रहे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि भाई टॉप कॉलेजेस में से अगर आपने पढ़ाई की है दोस्तों, तो आपको जो है बहुत सारा अच्छा जो है प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स है, या तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, या तो जो लोग हैं उनका 10वीं 12वीं में जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, वो लोग जो है मतलब खर्चा बचाने के लिए कई बार बीए कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब कौन सा कोर्स किया जाए, या तो अब क्या किया जाए जिससे कि अर्निंग हो, या तो जॉब ओरिएंटेड जो है फ्यूचर में ऑप्शन सबको मिले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है टॉप कॉलेज सोशियोलॉजी के अंदर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है कुछ कॉलेजेस हैं। तो यहाँ से अगर आप कर सकते हैं तो ये जो है बेसिकली 10वीं 12वीं के जो मेरिट्स होते हैं उसके बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। कुछ कुछ लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम्स भी लेते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपको इंडिविजुअली जो है देखना पड़ेगा। कोई ऐसे इंडिया लेवल पर जैसे UPSC होता है, ऐसा कोई सोशियोलॉजी के लिए या तो BA के लिए कोई सेंट्रल एग्ज़ाम जो है, जैसे कि IITs के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है और उसकी उसका जो स्कोर रहता है वो दूसरी कॉलेजेस भी एलिजिबल मानते हैं, ऐसा कुछ सेंट्रल एग्जाम इसके अंदर नहीं है। तो आपको जो इंडिविजुअल आपका 10वीं 12वीं का रिजल्ट है उसके बेस पे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अंदर आपको बहुत सारे जो है मास्टर कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है मिल जाते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, सोशल साइंस के रिलेटेड, सोशल वर्क के रिलेटेड। तो उसको भी एक बार आप स्टडी कीजिएगा, उसके अंदर आपको जो है बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। और आपका जो है, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट दिखा देता हूँ और कोर्सेज क्या क्या चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे सोशल साइंस, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स, ऐसे होता है ना कि डॉक्टर्स होते हैं आँख के, कान के, नाक के, गले के, किडनी के, हार्ट के, लंग्स के, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। उसी तरीके से सोशल वर्क के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल एपिडेमियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, डेवलपमेंट स्टडीज़, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटल हेल्थ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़, वुमन स्टडीज़, क्लाइमेट चेंज, रूरल डेवलपमेंट, डिसेबिलिटी स्टडीज़, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़, तो वाटर पॉलिसी, नेचुरल रिसोर्स एंड गवर्नमेंस, गवर्नेंस, तो बहुत सब पार्ट है। तो जिन्होंने सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क पढ़ा है तो उनको इन सभी के अंदर जो है थोड़ा बहुत पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इनके अंदर अगर आप मतलब स्पेशली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस या तो उसके लेवल की कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपका प्लेसमेंट जो है अगर फ्रेशर है तो इसके आसपास में रहेगा, ठीक है। और जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है उसका सबसे मतलब बेस्ट कोर्स जो है HRM है, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट इस तरीके की होती है। बट बेसिकली ये जो है एक्चुअल में मीडियम सैलरी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेशर्स भी इसमें आते हैं और एक्सपीरियंस वाले भी आते हैं, तो एक्सपीरियंस वाले बंदों को ज़्यादा प्लेसमेंट मिलती है, ज़्यादा सैलरी मिलती है, फ्रेशर्स को जो है उसके लेवल की मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप ये सैलरी देख रहे हैं, तो ये मिनिमम सैलरी नहीं है, मीडियम से मतलब जो एवरेज सैलरी निकाली होती है वो है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या क्या इसमें सेक्टर है, क्या क्या है। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट जो है आपकी, अरे किस किस टाइप की जो है ऑर्गेनाइजेशन में होगी, तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे टाटा है, फ्यूचर ग्रुप है, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट है, या तो फिर रिलायंस है, जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं उसका जो है ना सोशल वर्क का एक पूरा सेक्टर होता है दोस्तों, और उनको कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा टैक्सेस जो है पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो है और काफ़ी बड़े लेवल पे आपको जो है ज़्यादा सैलरी वाला स्कोप जो है वहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। तो हर एक ग्रुप जो है उसका मतलब हर एक कंपनी जो है मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी उसका एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें आपको मिल सकता है। उसके अलावा स्पेशल NGOs जो है बहुत सारे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल में कौन सी कोर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, जिनके अंदर अगर आप जाओगे तो इस तरीके की कंपनियों के अंदर आपका प्लेसमेंट होगा, सबसे पहले वो देखना ज़रूरी है। तो ये जो है हैबिटेट स्टडीज के, इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो आप कोर्सेज पढ़ोगे ये वाले सभी, तो आपका प्लेसमेंट जो है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में होगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों की प्रोफाइल्स भी है, उससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि भाई अगर ये पढ़ाई करनी है तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बेसिकली किस तरीके का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो है प्लेसमेंट, यहाँ पे बहुत सारे NGOs है, ये आप देख सकते हैं, ये वाले देख सकते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आधार है तो उसके अंदर भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं सोशल वर्क के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स लोगों ने पढ़े हैं, रिलायंस फाउंडेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, केयर है, सेव द चिल्ड्रन,
बहुत सारे यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो ये प्लेसमेंट जो है किस कोर्स का है वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो प्लेसमेंट है दोस्तों, ओके ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स जो है उसका है। फिर यहाँ पे आप बच्चों की प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर्नशिप कहाँ से की है। तो ये जो है इसने BSc इन एनवायरमेंटल साइंस किया है, फिर इसने जो है यहाँ पे किया है, क्या किया है, BCom किया है। तो ये सब थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंस के सेक्टर में है, माइक्रो फाइनेंस के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर के रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका जो है प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं कोर्स दिखा देता हूँ किस तरीके का ये कोर्स है, कौन सा कोर्स है। डेवलपमेंट स्टडीज़, ये भी बहुत ही टॉप कोर्स है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये बच्चे ने जो है BA ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, इसने भी BA इकोनॉमिक्स किया है, इसने भी BCom किया है, BCom BA किए। इसमें BA वाले बहुत है, बट ऐसा नहीं है इसमें इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं। बट आपको ये देखिए BTech वाला भी आ गया, तो ये भी थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और है, इसके अंदर जो है एक्चुअल में कहाँ प्लेसमेंट हुआ है वो नहीं बताया। तो ये स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बच्चों ने जो है पास्ट में जो है कौन सी पढ़ाई की थी। ठीक है, और अभी जो है मे बी इनका यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड वर्क कहाँ पर किया था। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीच फॉर इंडिया पे भी आपका जो है प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आप साइकोलॉजी, काउंसिलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं ये भी कोर्स कर सकते हैं। बट उसके कुछ क्राइटेरिया है, आपने BA आई थिंक साइकोलॉजी में किया होना चाहिए ऐसा कुछ है, या तो मेडिकल फील्ड से हो वो लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये कोर्स कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन लेबर, ये भी जो है काफ़ी टॉप कोर्स है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का। और यहाँ पे जो है बच्चे जो है उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला है, BA वाला है, BBA वाला है। तो इसमें हर तरीके के कोर्स से जो है लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। यहाँ पे एक और कोर्स है जिसके अंदर यहाँ पे एक्चुअल में लिस्ट ऑफ कंपनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज का एक कंबाइंड प्लेसमेंट ब्रोशर है ये, इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज है वो हम देख लेते हैं। तो स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज है, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या पढ़ाई होती है वो आप देख सकते हैं। नहीं नहीं ये रहा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाली पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, इस वाली पढ़ाई करेंगे, कॉमन कोर्सेस। ओके, बेसिकली सोशल वर्क के रिलेटेड आप पढ़ाई करेंगे जो भी कोर्सेज दिखाए थे यहाँ पे। ये सब कंपनीज के अंदर प्रथम है, ये भी काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, SOS चिल्ड्रंस विलेज। फिर ये हेल्प एज इंडिया, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मुस्कान भी काफ़ी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, राजीविका मैजिक बस काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। यूथ फॉर जॉब्स, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, ठीक है ना। इसके आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कहाँ कहाँ, मतलब इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है वो देख सकते हैं बच्चे जो है उन्होंने उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, और मतलब इंटर्नशिप कहाँ से की, फील्ड वर्क कहाँ से किया। तो उसके हिसाब से जो आप कोर्स चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से अगर होता है तो यहाँ से, कहीं और से होता है तो कहीं और से। तो इस तरीके का आपका जो है, अगर आप मास्टर्स करते हैं सोशल वर्क में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सब ऑप्शन से इतनी इनकम होगी, और इस तरीके की कंपनीज़ के अंदर जो है आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने देखी उनको अपना बायोडाटा मतलब भेज सकते हैं वॉलंटियरिंग के लिए इनिशियली, या तो फिर इंटर्नशिप के लिए, और धीरे धीरे फिर एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका होता जाएगा फिर आप जो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इग्नू से भी सोशल वर्क का आप मास्टर कर सकते हैं, और फिर जो है आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं और सेटअप आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे जो है BA करने के बाद जो है BEd करते हैं या तो फिर MA करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि BA करने के बाद अगर MA करते हैं फिर भी आपको BEd तो करना पड़ेगा। अगर आपको स्कूल्स के अंदर सोशियोलॉजी पढ़ाना है या तो हिस्ट्री पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है, तो आपको जो है BEd करना पड़ेगा
और अदरवाइज आपको जो है TET करके एग्ज़ाम आती है, CTET या तो TET एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी जो है आपका BEd किया हुआ ज़रूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है एडमिशन मतलब सॉरी जॉब पाना बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, बहुत ही इसमें जो है करप्शन होता है, बहुत सारे लफड़े भी है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहे। आप एक चीज़ करें, इंडिया के अंदर जो है दोस्तों भर भर के ग्रेजुएट्स एवरी ईयर निकलते हैं, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सभी की रियल टेस्ट को जो है टेस्ट किया जाए, रियल सॉरी स्किल्स को टेस्ट किया जाए, वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया रखते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम्स रखते हैं, उसके अलावा डिग्रीज जो है उसके ऊपर फिल्टर करते हैं, 10वीं 12वीं के मार्क्स जो है उसके ऊपर फिल्टर करते हैं, कॉलेज के मार्क्स से उसके ऊपर फिल्ट्रेशन करते हैं। तो जितना हो सके आप अपने मार्क्स को जो है ज़्यादा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एटलीस्ट यार जो है ना एक एक्स्ट्रा डिग्री, मास्टर डिग्री जो है आप अपने बकेट में रखिए। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्राइवेट फील्ड होता है ना, प्राइवेट सेक्टर, उसके अंदर लोग जो है 10 से 12 15 साल तक ही काम कर सकते हैं, और उसके बाद एक लेवल आ जाता है, क्योंकि सबकी सैलरी जो है 1 लाख रुपये, 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, कोई भी कंपनी को जो है वो एफोर्डेबल नहीं होता है। तो जो ज़्यादा सैलरी वाले होते हैं वो कम लोग होते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको जो है टीचिंग फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, जो भी आपने 10 साल 15 साल में जो गेन किया है उसको कोचिंग करना, उसको सिखाना, वही फील्ड में आपको जाना है। तो आप जब BA कर लेते हैं तो जॉब की अगर ज़रूरत इंस्टेंटली नहीं है, आपके घर में कोई पैसों की किल्लत नहीं है, तो सीधे ही जो है आप मास्टर्स कर ले, या तो BEd करने के बाद मास्टर्स कर ले। और अदरवाइज़ एक चीज़ और कि अगर कहीं पे 12वीं के बाद अगर आप BA करना चाहते हैं, तो कहीं पे अगर BA+MA इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, या तो BA+BEd इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो उसको ज़रूर करें। ये मेरी बात आप लिख लें, क्योंकि एक बार आप जॉब करना शुरू कर दोगे ना, फिर आपको अगर पढ़ाई करनी होगी बहुत ही दिक्कत आएगी दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लफड़े होते हैं कुछ समय के बाद, आप मतलब जब पैसे कमाने लगते हैं ना, तो फिर आप उसको छोड़ के पढ़ाई करना करने जाना जो है थोड़ा सा आपको यूज़लेस लगेगा। और इनिशियल स्टेज पे फ्रेशर लेवल पे अगर आपने MA किया है, या तो कोई मास्टर डिग्री है आपके पास, उसकी ज़्यादा उसमें जो है आपको इनिशियल लेवल पे फ़ायदा नहीं होगा। बट 5 साल के बाद जब आपकी कंपनी में ऐसे 5 लोग हैं जिनका जिन जिनमें से एक बंदे का सिलेक्शन करना है, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज है, तो जो है आपका सिलेक्शन भले ही सबका एक्सपीरियंस सेम है, सबका स्किल सेट सेम है, तो फिर वो क्या कैसे फिल्टर करेंगे? तो जिनके पास डिग्री ज़्यादा है उसको जो है वो लेंगे। फिर उसके अलावा कई बार कंपनियां जो है अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजती है, तो उसमें भी जो है मास्टर किया हुआ होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जिसके पास, उसको हाई प्रायोरिटी दिया जाता है, और कंपनी भी जो है उसको हाईलाइट बार बार करती है, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है वो हाई कॉस्ट में मिले और फास्ट मिले। तो बहुत सारे फायदे हैं। साथ ही साथ अगर आपको जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसी कंट्री में डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई करना है 5 साल 8 साल के बाद, तो अगर आपके पास मास्टर्स होगा और आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपका जो है डायरेक्ट PR लग जाएगा, क्योंकि उसमें पॉइंट सिस्टम होता है, 65 पॉइंट्स करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, 5 साल 8 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, आईलेट्स एग्जाम के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, और उस तरीके से यार आपको जो है मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो BA के साथ ही जो है आप कंटिन्यूली कर लें इंटीग्रेटेड अगर कोर्स कहीं पर आपको, सभी कॉलेज में नहीं होता है, कुछ कुछ कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है दोस्तों, तो आप उसको ज़रूर। तो यहाँ पे आपको जो है मतलब डिग्री जो है उसमें आप जॉब करने के चक्कर में जो है एक मतलब जल्दी मत कीजिए, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है 100% जो है, क्योंकि आप पढ़ाई जो करते हैं, भले BA किया हो आपने, MBA किया हो आपने, इंजीनियरिंग किया हो, जो पढ़ते हैं वो रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स जो है आप इंडस्ट्री में जाके ही ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताऊँगा कि भाई अगर आपको जो है पढ़ाई आप जो है एक साथ में ही कंप्लीट कर लें, उसमें जो है बीच बीच पे गैप ना डालें, अदरवाइज़ आपको जो है मतलब मुश्किल होगी। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो जो है इस तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, UGC नेट के लिए, TET के लिए, बट यहाँ पे दिक्कत यही है, एक बार आप सर्च करिएगा कि भाई कितने लोग ये एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, कितनी सीट्स होती है। अगर 30-40% भी चांसेस है आपके सिलेक्शन के, तो ही वही वो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एवरेज स्टूडेंट नहीं है, आप जो है बहुत ही स्मार्ट है, और एक साल में जो है इसके अंदर आप क्रैक कर सकते हैं, तो ही इसमें एफर्ट दीजिए। आप अपनी पढ़ाई छोड़ के, जॉब छोड़ के इसके पीछे लगेंगे, मुझे नहीं लगता इतना सबको सक्सेस मिलेगा। और इसमें कौन कमाएगा? कोचिंग क्लास वाले ही कमाएंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं वो कमाएंगे, आपको एट द एंड जो है निराशा ही मिलेगी। क्योंकि यार 10 लाख लोग जो है 100 सीट के लिए, 1000 सीट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ही सोचिए सक्सेस रेशियो जो है सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। UPSC की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग BA करते हैं, या तो इवन क्या बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद
डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद लोग जो है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो है बीए करते हैं फिर से, और हिस्ट्री या तो फिर सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स में जो है बीए करते हैं। तो उनकी बात अलग है, बट बेसिकली अगर आपने 10वीं 12वीं में आपके मार्क्स कम आते हैं, तो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है, कोई भी ऐसा रीज़न है और आपने बीएससी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको टिप दूंगा। एक तो जो है आप मास्टर्स करें, अगर आपको टीचिंग फील्ड में ही इंस्टेंटली जाना है तो आप बीएड भी कर लें साथ में। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर करने के चांसेस आपको मिलते हैं तो वो करें, मास्टर्स करें, ठीक है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत लंबे लंबे गैप्स ना लें, उससे अच्छा है इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स को अपनाइए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स को अपग्रेड करते रहें, मैक्सिमम डिग्रीज आप अपने पास लें, ठीक है, ये सब चीज़ें आप करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यार दोस्तों कि यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करते हैं कितनी सीट्स के लिए, तो इसमें आप अपना दिमाग लगाएं यार, सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं आपके, भले ही आप यार कितने इंटेलिजेंट हो बट आपको चांस ही नहीं मिलेगा ना, ये आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिए। यहाँ पे 11 लाख लोग अप्लाई करते हैं 700 सीट के लिए, तो 1% से भी कम हुआ दोस्तों। तो ये सब फालतू चीज़ों में कोचिंग क्लास वाले ही कमाते हैं। अगर आपको कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है तो आप थोड़ा सा एक दो बार इसको ट्राई करें और कोचिंग में चले जाएँ, उसमें बहुत पैसा है दोस्तों। बट इसमें क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कोच मतलब ट्यूटर्स होते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है दोस्तों, ठीक है। तो कोचिंग में अगर आपको जाना है तो फिर आप ये सब चीज़ों में मेहनत कर सकते हैं, बट अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स डेवलप करनी है तो ये सब आपको कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बीए करने के बाद फिर उनको लगता है कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है और आईटी फील्ड में जाना है, उसमें उनको लगता है कि फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है, तो आप जो है एमसीए कर सकते हैं, एमएससी आईटी कर सकते हैं, और इसका भी जो है मेरिट बेस ही होता है, तो आपको जो है अलग अलग स्टेट के अंदर क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसका कोई सेंट्रल एग्ज़ाम होता हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, बट जिनका जिनका होता है तो आप उसको अप्लाई करें। इसमें आपके जो है मतलब पढ़ाई अच्छी होगी तो उसमें भी थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा आप बीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एमबीए में भी यही है दोस्तों कि भाई इतनी जॉब्स नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत सारे जो है मतलब वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वही उनका कमाने का ज़रिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से कमाना, उसके फॉर्म्स भर के कमाना, फॉर्म्स सेल करके कमाना, वही यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। बट करना है तो कर सकते हैं, बट कोई भी एक मास्टर डिग्री ज़रूर ले लें, और जैसे ही आपके पास एक मास्टर डिग्री आ जाती है फिर आपका पूरा फोकस जो है, अगर आपको एजुकेशन फील्ड में नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करना है, तो फिर आप जो है पूरा फोकस जो है अपनी स्किल्स या तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल को डेवलप करने के लिए आप मतलब उसमें लग जाए। जैसे कि आपने बीए विथ इंग्लिश किया है तो फिर आप इंग्लिश कोचिंग में जो है या तो फिर इंग्लिश रिलेटेड जो भी प्राइवेट जॉब्स होते हैं उसके अंदर घुस जाएँ, जैसे कंटेंट राइटिंग है, या तो फिर आप किसी के पीए बन गए, या तो फिर इस तरीके की बहुत सारी जो है जॉब्स इंग्लिश सेक्टर के अंदर होती है। सेम तरीके से जो है आपने सोशल वर्क किया है तो आप जो है कोई एनजीओ, सरकारी, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, या तो बैंकिंग सेक्टर होता है माइक्रो फाइनेंस का, या तो मतलब रूरल के अंदर जो एनजीओज रहते हैं, बैंक्स होते हैं, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग कंपनियाँ होती है उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप है उसके अंदर। तो सभी सेक्टर के अंदर क्या क्या स्कोप है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट ये वीडियो के अंदर मैं यही समझाना चाहता हूँ, मास्टर करें दोस्तों, और जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत कम है उसके अंदर एक बार ट्राई करना है तो शौक के लिए आप कर लें, बाकी उसमें ज़्यादा टाइम लगाए ना लगाए, मास्टर करके जो है कोई एक इंडस्ट्री को पकड़ के उसके अंदर ही घुस जाए पूरे का पूरा। दस अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में 10 साल 20 साल, या तो आप जब तक रिटायरमेंट का टाइम होता है 50-60 साल तक उसमें काम कर सकते हैं, उस तरीके से जो है आप उसमें आगे बढ़ें, और अगर आपको लगता है कि 10 साल में फिर आगे एक सैचुरेशन लेवल आ जाएगा तो फिर आप जो है धीरे धीरे क्या बोलते हैं टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं 10-15 साल के बाद, या तो फिर कंसल्टिंग फील्ड में जा सकते हैं, या तो फिर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का जो है वो भी आप दिमाग लगा सकते हैं, या तो फिर आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आप सीधा जो है कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंस के लिए, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो है काम करने के लिए भेजें, तो आप डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर, यूरोज़ के अंदर कमाएंगे, तो आपको जो है 10 साल या तो 5 साल के अंदर काफ़ी अर्निंग हो जाएगी जो कि आप रिटायरमेंट के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। खास करके जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट करें और सेविंग्स जितना हो सके उतना करें दोस्तों, क्योंकि यार प्राइवेट फील्ड के अंदर जो है ना आपको जो है पेंशन नहीं मिलेगा, और मतलब 50 साल तक का आपको जॉब पे भी नहीं रखेगा, उसका मैक्सिमम जो है ना 10-20 साल का ही जो है उसका कैपेबिलिटी होता है, उसके बाद जो है आप उसके लिए एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि
स्पोर्ट्स फील्ड जो है उसके अंदर उसका रिटायरमेंट टाइम जो होता है 25 से 30 साल के अंदर वो लोग रिटायर हो जाते हैं। सेम तरीके से आर्मी में भी लोग रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनको बूढ़े लोग नहीं चाहिए जो कि बैठे बैठे टाइम पास करें, ठीक है, उनको यंग चाहिए, सभी लोगों को यंग चाहिए। तो फिर आपको उसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। आपकी कोई भी क्वेरी है करियर के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई करना चाहते हैं 10वीं 12वीं में, आपके कितने मार्क्स हैं, फ्यूचर में आपको क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको इंडिया में रहना है, फॉरेन जाना है, सभी क्वेरीज जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप कौन से स्टेट से हैं, अगर आप चाहें तो कौन से शहर से, गांव से हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जो है कुछ ना कुछ हद तक जो है यूज़फुल लगा होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।